दोस्तों सबसे पहले आप मेरे इस वीडियो को देखो। दोस्तों आप मेरे जंप को अच्छी तरह से देखना, मेरा फाउल होता है कि नहीं, टेकअप और हाइट कैसी जा रही है। तो दोस्तों इसमें हम फाउल भी देखेंगे और जंप बढ़ाने के लिए कुछ एक्सरसाइज भी देखेंगे। इसमें हम सबसे पहले फाउल देखेंगे, जो आप जंप लगाते वक्त आपका फाउल हो जाता है उसको दोस्तों हम क्लियर करेंगे। और आप वीडियो को पूरा देखो और अच्छे से समझना दोस्तों, तभी आप अच्छे से समझ पाओगे। और आप किसी भी फिजिकल की तैयारी कर रहे हो जिसमें आपका जंप 3 मीटर हो, 4 मीटर हो या 5 मीटर हो, उसे हम आसान तरीके से क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों मैंने खुद 7 मीटर प्लस जंप कर सका हूँ और मैं उसके एक्सपीरियंस के अनुसार आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जंप किस तरह से लगाना है, किस तरह से आपको क्लियर करना है। और ऐसे दोस्तों आपको कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि मैं दोस्तों आपको डिटेल्स में बताऊंगा किस तरह से जंप लगाना है, किस तरह से आपका फाउल चेक करना है। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखना। तो दोस्तों सबसे पहले हम फाउल चेक करेंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम इसे रनवे कहते हैं। यहाँ पर देखो, इसे हम दोस्तों अप्रोच भी कहते हैं, जहाँ पर हम रनिंग करके आते हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पर रनिंग करने के बाद हम यहाँ से जंप लगाएंगे, इस तरह से हम टेकऑफ लेंगे। यहाँ पर आने के बाद फिर इसके बाद हम यहाँ से टेकऑफ लगाएंगे। और यहाँ पर कई बंदों का फाउल जाता है, किसी का आगे पैर पड़ता है, नहीं तो किसी का पीछे पैर पड़ता है, इसलिए दोस्तों आपका फाउल भी हो जाता है और आपकी जंप भी नहीं जाती। तो इसको कैसे क्लियर करना है देखो आप। तो इसको हम कैसे क्लियर करें देखो, यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ से हमें नापना है। ऐसे नहीं कि आप वहाँ पर कहीं पर गए, वहाँ से आप रनिंग करके आते हो और यहाँ से जंप लगा दे, इसलिए दोस्तों आपका फाउल हो जाता है। सबसे पहले हम यहाँ पर खड़े रहेंगे और आपको पहले देखना है कि आप किस पैर पर जंप लगाते हो। मैं दाया पैर पर जंप लगाते हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। आप अगर बाया पैर पर जंप लगाते हो दोस्तों, उस पैर को आपको यहाँ पर रखना है। यहाँ पर आगे आओ, यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ टेक ऑफ बोर्ड है, इसके पीछे हमें इस तरह से खड़े रहना है। और आपको दोस्तों कभी भी सम संख्या में स्टेप लेना है, उसमें हम 12 होगा, उसमें 14 होगा, 16 होगा, इस तरह से हमें दोस्तों स्टेप लगानी है। मैं 16 स्टेप पर लगाता हूँ, इसलिए मैं 16 लेता हूँ। तो यहाँ पर आने के बाद हमें इस तरह से यहाँ पर खड़े रहना, यहाँ पर रखना है ये। दोस्तों आप जंप लगाते वक्त जितने स्पीड से रन करते हैं उतने स्पीड से दोस्तों आपको स्टेप लगानी है। और स्टेप खत्म होने के बाद दोस्तों वहाँ से आपको जंप या रन करके देखना है कि आपका पैर टेक ऑफ बोर्ड पर आता है कि नहीं। और चेक होने के बाद, आपका रनवे परफेक्ट होने के बाद हम उसे नाप सकते हैं। तो दोस्तों जो हमने स्टेप लगाए है उसको हमें नापना है, आपको वो स्टेप परफेक्ट करना है, आपका जो अप्रोच है रनवे है उसको परफेक्ट करना है, आपको यहाँ पर मार्क करना है। तो उसको कैसे करना है देखो, हम दो तरीके से दोस्तों हम इससे को मार्क कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका ये, आप यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आप इस तरह से फोट को चेक कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, ऐसे जितना आपका फुट होगा, जितना स्टेप होगा शॉर्ट, वहां पर उसको हम मार्क करेंगे, उसको हम पिट करेंगे, जितना होगा वहां पर आप परफेक्ट कर जाएंगे। और उसके बाद हम जहां पर आप फिजिकल का ग्राउंड है वहां पर आप इस तरह से उसको चेक करके आप जंप लगा सकते हो। और दूसरा तरीका देखो आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे बेस्ट तरीका यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस तरह से हमें टेप लगाने है, यहाँ पर ये जो टेक ऑफ बोर्ड है इसके आगे यहाँ पर हम इसको रखेंगे और यहाँ से इस तरह से दोस्तों हम नाप सकते हैं इस तरह। तो दोस्तों देखो यहाँ पर आने के बाद यहाँ से आप जंप लगा दो दोस्तों, यहाँ पर इस तरह से हमें नापना है, इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पर हमें मार्किंग करना है जितना डिस्टेंस है, ये जो जितना डिस्टेंस है उसको हमें ध्यान में रखना है। समझो आपका 30 मीटर है या 28 मीटर है, उसको फिट रखना है। और जहाँ पर आपका फिजिकल हो वहाँ पर दोस्तों इस तरह से हमें टेप से नाप कर वहाँ से आप अच्छे से जंप लगा सकते हो। उसके बाद दोस्तों हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे जिससे आपके लेग में थोड़ी पावर आ जाएगी और आपकी जंप भी इम्प्रूव होगी। और इसको हम दोस्तों हफ्ते में 2 बार कर सकते हैं। इसको हम ब्रॉड जंप कहते हैं। इसको हमें दोनों लेग को उठा के हमें नी को उठाना है और आगे की तरफ जंप लगानी है। आप अच्छे से देखना, हमें जंप लगाते वक्त हमें इस तरह से स्टैंडिंग ब्रॉड जंप लगानी है। आपको इस तरह से जर्क लेना है और आपको जो दोनों घुटनों को ऊपर उठा के इस तरह से आपको लैंडिंग करना है। ऐसे आप 7 या 8 जंप लगा सकते हो। उसके बाद हम सिंगल लेग हॉप करेंगे, जहाँ पर हम एक लेग पर हॉप करके आगे की तरफ जाना है और उसके बाद हम उसी लेग पर जंप लगाएंगे। और ध्यान रखना कि आपका नहीं दोस्तों ऊपर की तरफ उठना चाहिए। आप प्रैक्टिस करते रहना दोस्तों, आपको 100% आ जाएगा। और ऐसे हमें दोस्तों दोनों लेग के ऊपर करना है और हर एक लेग के हम 4 या 5 जंप लगाएंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम बाउंडिंग करके जंप करेंगे।
उसमें हमें ध्यान रखना है कि बाउंडिंग करते वक्त आपका जो नेह है उसको ऊपर उठाना है, और उसके बाद हम जंप करेंगे, और हर एक लेग के हम 4 या 5 सेट करेंगे। ऐसे हमें दोनों लेग पर करना है। इस सभी एक्सरसाइज से दोस्तों आपके लेग में बहुत ज़्यादा पावर बढ़ेगी और आपकी जंप इम्प्रूव होगी। और ध्यान रखना है दोस्तों कि आपको इस सभी एक्सरसाइज करते वक्त आपको जंपिंग फिट में करना है। फिर आगे हम लास्ट में एंकल बॉस करेंगे, हम स्किप करके आएंगे और जंप लगाएंगे, और इसके भी हम 3 या 4 सेट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लॉन्ग जंप लगाते वक्त हमें टेक ऑफ कैसे लेना है, हाइट कैसे लेना है जिससे आपकी जंप बढ़ेगी, इसके बारे में देखेंगे।